नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनका मतलब है ये कुछ ना कुछ आपसे चाहते हैं। जिस दिन दोस्तों मतलब निकल जाएगा, उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन तीन लोगों से रिश्ता तोड़ दीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब के रिश्तेदारी है। कुछ चीजें दोस्तों अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्म सम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। रिश्ता वही खास होता है जिसमें दोस्तों कोई भी दिखावा नहीं होता है। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पे लगा दो, वो तब तक आपका होता है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, दोस्तों वो आपके सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देता है। आजकल की मोहब्बत के कुछ यूं फसाने हैं, जो जितना झूठा है लोग उसी के उतने दीवाने हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वे सभी जानकारी देंगे कि ये व्यक्ति कौन है, कैसे आप इन लोगों को पहचान सकते हैं, कैसे दोस्तों इनको आप अपने जीवन काल में दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकते हैं। इनके साथ ही दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि वीडियो के अंत में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय की, जिन्हें दोस्तों यदि आप कर लेंगे तो आपके जीवन काल में जो भी कार्य बिगड़े हुए थे वो भी बन जाएंगे और आपके जीवन काल में पुनः ये व्यक्ति वापस नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली हैं। उससे पहले दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दीजिए। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से। दोस्तों, जो आपको अपने जीवन काल में निरंतर याद रखनी है, दोस्तों यकीन मानिए इनसे आप सभी के जीवन काल में बहुत ही ऊर्जा शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इन्हें आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों, अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे या फिर ना करे, क्योंकि दोस्तों सूर्य होता है तो करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी दोस्तों सूर्योदय होता ही है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आपके भी जीवन काल में कोई व्यक्ति आपका सम्मान करता हो या फिर ना करता हो, आपके कार्य की वैल्यू करता हो या फिर नहीं करता हो, जी हाँ दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा जब आपसे मिलने के लिए उन्हें समय निकालने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार से अपने जीवन काल में अच्छे काम करते रहिए और फल की चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो स्वभाव है, वो औरों से हटकर है और आपको यही चीज़ खास बताती है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आप किस प्रकार पहचाने कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो दोस्तों, सच में आपको बता दें कि अगर हम दुश्मन की पहचान तो आसानी से कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरे हमारे जो दोस्त होते हैं उनको हमें सच्चे दोस्तों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो इंसान आपका दोस्त होने का दावा कर रहा है वह आपका दुश्मन हो, इसके लिए आज हम आपको कुछ लक्षण बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद में दोस्तों आपको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, मतलबी लोगों से दूर हो जाएं, ये आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। निस्वार्थ भाव से दोस्तों दुख के समय में जो व्यक्ति आपका साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है। अगर कोई मित्र संकट में, बीमारी में, दुश्मन के हमला करने पर दोस्तों राज दरबार और शमशान में आपके साथ में खड़ा रहता है, फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों, बहुत काम की बात बताने जा रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से दुख के समय में जो व्यक्ति आपका साथ देता है, वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है। यानी कि दोस्तों, अगर कोई मित्र संकट में है, बीमारी में है, या फिर दुश्मन के हमला करने पर, या फिर राज दरबार में, उस शमशान में आपके साथ में अगर खड़ा रहता है, तो दोस्तों वो आपका सच्चा मित्र है। ऐसे ही समय में आप अपनी मित्रता को परख पा सकते हैं और दोस्तों ऐसे मित्र ही सच्चे मित्र कहलाते हैं, या आगे जाके आपका हमेशा साथ देते हैं, लंबे समय तक साथ देते हैं। विपरीत स्वभाव वाले लोगों में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती है। अगर रिश्ता दिखावे का होता है तो दोस्तों सांप और नेवले की कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। इसीलिए
तरह से आपको बता दें कि ऐसे मतलबी लोगों से दूर रहें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके मतलबी दोस्त को आपसे काम है, तब दोस्तों वे आपके साथ रहेंगे तो आपके गुण गाएंगे। दोस्तों आपको अच्छा भी बता सकता है, परंतु जब उनका काम निकल गया, जब उसका मतलब खत्म हो जाएगा, फिर दोस्तों वह अपनी औकात आपको दिखा देता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल से तुरंत दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि वो कितना ही गिड़गिड़ाएं, लेकिन आपको उनकी सहायता बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन बातों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग आपसे कितने भी अच्छे क्यों ना रहें, एक ना एक दिन वो आपको धोखा दे ही देते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं और आपको ऐसे लोग बड़ी ही मुसीबत में छोड़ करके भाग जाएंगे। दोस्तों इन लोगों से आप पैसों के लेन देन में कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि दोस्तों आप अक्सर पैसे देकर फंस जाते हैं। पैसे के लेन देन आप सभी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं, बहुत ही खराब यूँ कहें आपके लिए साबित होता है। तो दोस्तों इन लोगों से आप पैसों को लेकर के कोई भी लेन देन बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, ग्रह के हिसाब से बात करें तो आपको अब सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे लोग आपके जीवन काल में दस्तक ना दे पाएं। और दोस्तों आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अंत में कि अब आपको अपने जीवन काल में कौन से उपाय को करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग आपके जीवन काल में कोई भी आपको धोखेबाजी ना कर सके और आप इनसे हमेशा दूर ही रहें। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए आप शनिवार या फिर मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकले किसी अच्छे कार्य के लिए, तो दोस्तों शक्कर और चीनी का सेवन ज़रूर कर लें, क्योंकि इनसे आपके कार्यों में आपकी सफलता की प्राप्ति होगी और आपके लिए यही लाभदायक सिद्ध रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ अधूरापन था जो कभी पूरा हुआ ही नहीं, वो कोई आपका था जो कभी आपका हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत कमियां भी ज़रूरी हैं, इंसान हो तो इंसान लगना भी ज़रूरी होता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को सहन करने में होती है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो ज़िंदगी भर आप अकेले ही रह जाओगे। दोस्तों यादों का खजाना बेच पाते अगर आपकी भी गिनती अमीरों में कहीं हो पाती। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के, जमाने ने समझा आपका दौर ही खत्म हो गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।